अपने बाहर काम मरवाने के लिए जाए तैयार है। सुनिए 21-2 के बाद है ना ये ऑर्डर में डाला है। स्टे की कॉपी नहीं है, पेंडिंग हो गया और 1 तारीख का ऑर्डर में आप कमिश्नर मैडम को जाकर के ये बात एक्सप्लेन कर दो, वो बोल देंगे रोक दो। तो कमिश्नर मैडम का फोन नंबर दो। अजमेर विकास प्राधिकरण की जमीन पर करीब 5.5 बीघा क्षेत्र में कब्जा कर मकान बनाने और खेती करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर अजमेर विकास प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस इमदाद के साथ मकान खाली कराने का कार्य शुरू कर दिया। इसके बाद अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का कार्य किया जाएगा। प्राधिकरण के DC ने बताया कि अजमेर विकास प्राधिकरण की भूमि पर जॉन सिंह रावत नामक व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इसको खाली कराने के लिए अजमेर पुलिस का अतिरिक्त जाप्ता मांगा गया। इसको लेकर प्राधिकरण के कैचमेंट एरिया पर बनी इमारत को ध्वस्त करने का कार्य किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार मौके पर अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियां और चर्च संचालित करने के आरोप लगे हैं। अजमेर से उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान होगा, जिसमें केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था एवं होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं AC बस की व्यवस्था के साथ RK यात्रा कंपनी पैकेज दे रही है। संपर्क करें सोनी जी की नसिया आगरा गेट अजमेर या स्क्रीन पर दिए गए नंबर से यात्रा की। ये अजमेर विकास प्राधिकरण के जोन उत्तर में ग्राम हाथीखेड़ा है, वहाँ पे ADA की जो स्वामित्व की लैंड है उस पर लगभग 9,200 वर्ग मीटर जमीन पे अतिक्रमण करके और निर्माण कर लिया, उसके खिलाफ कार्रवाई। क्या क्या बना हुआ था उसमें? 2 तो पक्के मकान है और खेती की जा रही है। चर्च की भी बनी है नीचे, अंदर बिल्डिंग में कोई स्टूडियो वगैरह जरूर है। कौन है ये जो? ये कोई जॉन सिंह रावत है, यहाँ के निवासी है, उन्होंने कर रखा। हाँ बिल्कुल ऑर्डर है। मैं DC हूँ अजमेर विकास प्राधिकरण। ये हाथीखेड़ा के अंदर कोई ADA की जमीन पे अतिक्रमण का मैटर है, जो ADA द्वारा जाप्ता मांगे जाने पर हम ADA की हेल्प के लिए उपलब्ध है। ये ADA डिसाइड करेगा कि कौन सी जगह क्या है, ADA की कौन सी जगह खाली करानी। हम केवल ADA को हेल्प कर रहे हैं और के मौके पे पूर्णतः शांति है और शांतिपूर्ण कार्य किया जाए। बिल्कुल सर, जो ग्रामीण है कोई इनको समझाइश करके इनका कोई सामान सटा है तो उसको शांतिपूर्वक इसको निकलवाया जा रहा है, ताकि किसी का नुकसान नहीं हो और गरीब के हित का पूरा ध्यान रखें। हमारे करीब 2-3 थानों की पुलिस और पुलिस लाइन से पर्याप्त जाता है।